और कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार और बलत करते हैं कहते हैं या हबीब अल्लाह, एक बार कहते हैं या हुसैन। फलक की गोद में रोशन तो खूब था सूरज। भाई अगर समझ में आए तो मैं मिंबरे नूर पर जितने उलमा उनसे मेरी गुजारिश है तो इंशाल्लाह कुछ नमाजीगा दादू तहसीन से अगर अच्छा लगे। फलक की गोद में रोशन तो खूब था सूरज, जो देखा गुंबदे खजरा उतर गया सूरज। फलक की गोद में रोशन तो खूब था सूरज, जो देखा गुंबदे खजरा उतर गया सूरज। और मेरे हुसैन के चेहरे पे वो तजल्ली थी, मेरे हुसैन के चेहरे पे वो तजल्ली थी के लग रहा था कि नेजे पे आ गया सूरज। वाह भाई बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, कि लग रहा था नेजे पे आ गया सूरज। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली की लबों की जुम्बिश ने, हुसैन इब्ने अली की लबों की जुम्बिश ने वकारे दीने पयंबर को जिंदगी दे दी और जला के अपने लहू से चराग करबल में अली के लाल ने सूरज को रोशनी दे दी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हाथों को बुलंद करें और कह दे या रसूल अल्लाह, और कह दे सुभान अल्लाह। जरा चार मिसरे पढ़ता हूँ, जरा जो अपनी माँ से मोहब्बत सच्ची मोहब्बत करता है वो जरा सुन के बताए। है बहुत सारे जिन्हें खामोशियाँ अच्छी लगी, जरा देखिएगा। है बहुत सारे जिन्हें खामोशियाँ अच्छी लगी, घर के आंगन में मुझे किलकारियाँ अच्छी लगी। है बहुत सारे जिन्हें खामोशियाँ अच्छी लगी, घर के आंगन में मुझे किलकारियां अच्छी लगी। और सारे दुनिया के हसी होटल से भी बढ़कर कहीं, सारे दुनिया के हसी होटल से भी बढ़कर कहीं। माँ तेरे हाथों की कच्ची रोटियां अच्छी लगी, माँ तेरे हाथों की कच्ची रोटियां अच्छी लगी, माँ तेरे हाथों की कच्ची रोटियां अच्छी लगी। माशाल्लाह, सलामत आपके जज्बे को, माँ तेरे हाथों की कच्ची रोटियां अच्छी लगी। देखिए वो लहजा जिसे शहर कलकत्ता में बड़ी इज्जत हासिल हुई है, बहुत जो है शहर कलकत्ता में बहुत अच्छे अंदाज में इनको समाप्त किया जाता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि पचमा वाले क्या उसी तरीके की इज्जत जो है इनकी बरकरार रख पाते हैं, इंशाल्लाह उसी तरीके से सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रजा साहिब क़िबला मुसवाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हजरत इसी तरीके से बैठ जाइए, बिल्कुल माशाल्लाह, माहौल बिल्कुल खराब ना होने पाए। भाई मौके का फायदा आप ना उठाइएगा, बहुत सारे लोग इसी में जो है निकल जाते हैं। आप हजरात बैठे इसी तरीके से, माशाल्लाह ये प्रोग्राम इस तरीके से चल रहा है, अगर इसी तरीके से आप हजरात समाप्त करेंगे ना तो कसम खुदा के मुसलमानों लोगों इस महफिल की कामयाबी की जमानत यही आप ही लोग हैं, समझ रहे हैं। जरा एक बार और बेदारी का सबूत दे, हाथों को बुलंद करो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दे या रसूल अल्लाह। अब आइए बिला ताखीर में बगैर टाइम लिए हुए, क्योंकि नकीब से बहुत सारे लोगों को शिकायत हुआ करती थी ज्यादा टाइम लेते, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत कम वक्त में आपके जो है जो काम है वो पूरा करता हूँ। बिला ताखीर में अपने छोटे भाई मोहतरम शाहकार तरन्नुम जनाब नुमान रजा साहिब क़िबला कलकत्ता भी उनसे मेरी गुजारिश है, लेकिन आप हजरात जरा बेदारी के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे दाएं से बाएं जितने लोग हैं जरा हाथों को बुलंद करके अच्छे अंदाज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, देखिए पीछे वाले लग रहा है हाथ नहीं उठा रहे हैं, कसम खुदा की यारो नबी के नाम पर जरा हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। आखिर देखिए वक्त को जाया किए बगैर आप हजरात बस खामोश रह करके समाज फरमाएं, और आप हजरात परेशान ना हो कि आपको सुनने को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए अब आपके समातों तक बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा जनाबे मोहतरम
हाफिज अहमद रजा सल्लल्लाहु जिन्हें पचमा में बड़ी इज्जत हासिल हुई है, बस उस लहजे के बारगाह में बिला ताखीर मोहतरम अहमद रजा सल्लल्लाहु से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अरे गैर में दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। ये दिल जब टूट जाता है पयंबर याद आते हैं। ये दिल जब टूट जाता है पयंबर याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। और ये भी शेर उलमाए किराम की दुआओं से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाजा फरमाए कभी सिद्ध को सखावत लो शुजात का ख्याल आए। कभी सिद्ध को सखावत लो शुजात का ख्याल सीधी को उमर उसे मानो है दरिया दे आते हैं। तो सीधी को उमर उसे मानो है याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। अब एक शेर मुलाजा फरमाए वजूए पाक का पानी न गिरने दे जमी पर जो वजूए पाक का पानी न गिरने दे जमी पर जो रसूले पाक के सारे कलंदर याद आते हैं। रसूल वज़ूए पाक का पानी न गिरने दे ज़मीं पर जो वज़ूए पाक का पानी न गिरने दे ज़मीं पर जो रसूले पाक के सारे कलंदर याद आते हैं। रसूले पाक के सारे कलंदर याद आते हैं। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। अब मैं एक शेर उलमा इकराम की दुआओं से आप तक पहुंचा रहा हूं। करबला के शान में ये शेर है। इंशाल्लाह जितने भी इमाम हुसैन के चाहने वाले होंगे खामोश नहीं बैठेंगे। एक बार बुलंद आवाज से बोलिए या हुसैन। दया रे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। हमारी प्यास पर एहसान है खूने हुसैनी का। हमारे प्यास पर एहसान है खूने
कोई पानी पिलाता है तो असगर याद आते हैं, कोई पानी पिलाता है तो असगर याद आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं, दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। और ये शेर उन मुराज़ा फरमाए, माशाल्लाह, रह रह के अक्सर याद आते हैं, हमारी इज्जत बाकी है अहले बैत के सदके, हमारी इज्जत बाकी है अहले बैत के सदके, नबी के दीन की खातिर कटे सर याद आते हैं, नबी के दीन की खातिर कटे सर याद आते हैं। दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए, एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बिलखुसूस मैं उलमाए अहले सुन्नत की खास तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पे, मुलाजा फरमाए। दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं, नबी की नात कहने को तो लाखों लोग हैं, लेकिन नबी की नात कहने को तो लाखों लोग हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा जैसे सुखनवर याद आते हैं, इमाम अहमद रजा जैसे सुखनवर याद आते हैं। दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। ये शेर देखेंगे इंशाल्लाह हजरात, ये शेर ही ऐसा है मुलाजफा में, एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमारी खून के गर्मी से दिल बेदार होता है, हमारे खून की गर्मी से दिल बेदार होता है, हमें जब 313 के तेवर याद आते हैं, हमें जब 313 के तेवर याद आते हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह, माशाल्लाह। गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं। आखिरी शेर भौंक साथ मुलाजा फरमाए। दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद आते हैं, ख्याल आता है जब इस्लाम के आबाद होने का, ख्याल आता है जब इस्लाम के आबाद होने का, नबी की आल के उजड़े हुए घर याद आते हैं, नबी की आल के उजड़े हुए घर याद आते हैं। दयारे गैर में रह रह के अक्सर याद
दया